Chiamando la sua top. Oscar, 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 thank you for calling me here. I always love to be in the office of Patna Beaches. बहुत मजेदार स्पेस है, एक कमाल की एनर्जी है यहाँ की, कमाल पे एक वाइब्स है यहाँ का। और आप देखेंगे अगर एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए आप किस तरह की चीज़ें यहाँ देख सकते हैं, और जो बातें हैं यहाँ पे वो बिल्कुल बिहार के बारे में और अपने अंदर की बातें हैं, जज्बे के बारे में। पटना बीट्स, थम्स अप टू यू गाइस। नमस्कार, जितने भी लोग पटना बीट्स के माध्यम से मुझे देख रहे हैं मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम क्रांति प्रकाश झा है और मेरा गांव रुदौली में है जो बेगूसराय के अंतर्गत आता है। मेरा ननिहाल दरभंगा जिले के अंतर्गत एक गांव है पंचोब, वहां पे है। और मेरा जो जन्म स्थान है वो भागलपुर में मेरा जन्म हुआ था, पिताजी वहाँ पोस्टेड थे। और इसके अलावा मैंने कुछ चंद फिल्मों में काम किया है और बिहार से अपनी मातृभूमि से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा बाकी आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए और मैं पटना बीट्स का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनको बहुत साधुवाद देता हूँ कि ऐसा कुछ उन्होंने बिहार के बारे में सोचा है। और जो टी शर्ट मैंने पहनी है ये ले और लोटा, ये ले लोटा आप जानते हैं कि बिहार का तकिया कलाम है, बहुत ज़्यादा बकिया है, बहुत बकैती कर रहे हो, ले लोटा इस तरह की चीज़ें। तो मेरा मन किया कि मैं पहन के ही आज ये इंटरव्यू करूं और इसी वजह से मैंने पहना है। मैं यहाँ पे आया कुछ और पहन के, लेकिन मैंने बशसर से मांगा ये कि भाई मुझे एक टी शर्ट अपनी वाली दीजिए। तो इस तरह की बहुत सारी जो अच्छी अच्छी बिहार की जो तकिया कलाम है उसके ऊपर इन्होंने टी शर्ट्स बनाई हैं, और बहुत सारे टी शर्ट्स हैं और स्वेट शर्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप भी वो इनके माध्यम से ले सकते हैं, जहाँ भी जाएँ बिहार का नाम रोशन करें, चाहे वो ले लोटा के माध्यम से हो चाहे किसी माध्यम से हो। तो मेरे ख्याल से ये मेरी भूमिका थी जो मुझे कहा गया कि आप अपने बारे में बताइए, और इसके अलावा आप और सवाल पूछ सकते हैं। मेरी स्कूलिंग बोरिंग किलान रोड में एक स्कूल है, सेंट एमजी हाई स्कूल, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की। 3 साल मैं वहाँ पे था, उसके पहले मैंने विकास विद्यालय में पढ़ाई की जो अभी रांची में है, और उसके पहले मैं सोनीपत में था। प्रारंभिक शिक्षा जो है मुझे याद है कि पूर्णिया में एक उस ज़माने में परोड़ा आवासीय मध्य विद्यालय होता था, जहाँ पे गुरुकुल जैसा ही माहौल था। तो वहाँ से मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद साइंस कॉलेज से मैंने प्लस टू किया, फिर हिंदू कॉलेज गया, हिंदू कॉलेज से मैंने एमए किया, बीए किया, हिस्ट्री में एमए किया। और जैसा कि हर बिहारी करता है मैंने भी यूपीएससी दिया, और यूपीएससी देने के बाद 2-4 नंबर से रह गया तो मैं बहुत दुखी था, जैसा कि हर साल बहुत सारे लोग दुखी होते होंगे। और दुखी होने के बाद मैं अपने दोस्तों के पास 1-2 महीने के ब्रेक के लिए बॉम्बे चला गया, और फिर वहाँ से कभी वापस आया नहीं। और कहते हैं कि एक दिन एक क्षण में आपको पता चला कि आपकी ट्रू कॉलिंग क्या है। तो मुझे लगा कि मैं यहीं रह के कुछ करना चाहता हूँ, एक्टिंग करना चाहता हूँ, और ये इसी में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो एक बात समझ में आई कि जीवन में आप जो भी करें वही करें जिसमें आपको बहुत आनंद आए, किसी के कहने पे, समाज के दबाव के कारण, या फिर हर आदमी की अपनी एक यात्रा होती है। तो आपकी यात्रा में मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी आप करें वही करें जिसमें आपका मन लगे, क्योंकि किसी के कहने पे अगर आप कुछ कर भी लेंगे पर आपका मन नहीं लगेगा तो 2 से 4 साल 5 साल आप खींच सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुंठित हो जाएंगे। तो करें वही जो मन को भाए, करें वही जो हृदय को भाए। हाँ हाँ, एकदम भर भर के। मुझे याद है जब मैं यहाँ से दिल्ली गया था हिंदू कॉलेज, तो उस ज़माने में वहाँ पे बिहारियों को हैरी कह के बुलाया जाता था। अबे देख हैरी आ गया, अबे वो हैरी है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ऐसा क्या है। फिर दूसरा ये होता था कि बिहार के आप बिहारी हैं क्या, मैं कहता था हाँ मैं बिहारी हूँ। तो बिहार क्यों, ऐसा क्यों पूछा आपने? नहीं, इसलिए पूछे क्योंकि बिहार के लोग ऐसे नहीं दिखते हैं। तो मेरी समझ में कभी नहीं आता था कि बिहार के लोग आखिर दिखते कैसे हैं, बिहार के लोग उनकी क्या 2 सींग होती है, उनके कान बड़े होते हैं या क्या, कुछ मेरी समझ में नहीं आता था। तो इस बात के लिए अभी भी बहुत जो है वो चेष्टा करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं कि बिहार को जो लोग, जिन लोगों ने अभी तक आँखों कानों से देखा है, कानों से देखा कहने का मतलब है कि जो एक छवि आपकी बनती है सुनी सुनाई हुई, जो लोगों से आप जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, आपकी छवि वैसी बन जाती है। पर जितने भी लोग देख रहे हैं बिहार के अलावा भी, बिहार के बाहर के लोग अगर मुझे देख रहे हैं, तो एक बार आप बिहार आके देखिए, सिर्फ कान से मत देखिए, अपनी आंखों से देखिए कि बिहार दिखता कैसा है। तो डिस्क्रिमिनेशन मैंने
देखा है, और लेकिन यही है कि अगर आप अपनी जड़ों के साथ रहेंगे, अपने मूल को साथ लेके चलेंगे, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ कर नहीं सकता। देखिए, मैंने कोई इस तरह की कोई फॉर्मल शिक्षा मैंने प्राप्त नहीं की एक्टिंग में, जैसे बहुत लोग एनएसडी जाते हैं या फिर SRFTI है या FTII है। मैंने ज़िंदगी से सीखा, ज़िंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव हुए, ज़िंदगी में जितने भी मैंने जीत देखी, मैंने हार देखी, ज़िंदगी के हर पल को देखा, ज़िंदगी के हर रंगों को देखा, उससे मैंने, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मेरी अभिनय और पुख्ता हुई। जो अभिनेता मैं आज से 4 साल पहले था या 5 साल पहले था, वैसा मैं नहीं हूँ। 5 साल के बाद भी मैं जो होऊंगा वो आज ऐसा नहीं होऊंगा, क्योंकि जीवन जितना आप जीते हैं, जीवन से आप अभिनय सीखते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो हाँ, वर्कशॉप्स मैंने बहुत सारे किए, एक्टिंग वर्कशॉप्स। एक हमारे लिरिसिस्ट हैं स्वानंद किरकिरे, नामचीन है, पूरा देश उनको जानता है। उनके साथ मैंने बहुत सारा थिएटर किया, बहुत सारे नाटक किए, और उसके अलावा पांडिचेरी में जाता रहता हूँ वहाँ पे वर्कशॉप करने के लिए। और जहाँ कहीं भी ऐसा कुछ मौका मिलता है, छुट्टी मिलती है कि मैं वर्कशॉप्स ले सकूँ, तो मैं वहाँ पे जाके करता हूँ। पर मैंने कोई प्रारंभिक शिक्षा नहीं प्राप्त की, जो भी सीखा ज़िंदगी से सीखा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी बच्चे को अपनी माँ को लेके कभी भी किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं हो सकता है। माँ माँ होती है, तो बिहार भी मेरी मातृभूमि है, इसीलिए डिस्कम्फर्ट कभी नहीं हुआ। उल्टा हमेशा मुझे गौरव हुआ है, हमेशा मुझे बहुत गर्व हुआ है कि मैंने इस मिट्टी पर जन्म लिया है। कर्मभूमि मेरी मुंबई है, मैं अपनी कर्मभूमि मुंबई का भी बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ मैं अगर आज यहाँ भी हूँ तो मैं उसी कर्मभूमि के कारण हूँ, नहीं तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होता। तो मातृभूमि और कर्मभूमि का जो सामंजस्य है उसको मैं संतुलित करके चलता हूँ, और मातृभूमि से थोड़ा सा लगाव ज़्यादा होता है क्योंकि आप यहाँ पे पैदा हुए हैं। और मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत गौरव है कि मैं एक घनघोर बिहारी हूँ। पांच चीज़ें ही बस बिहार में, मुझे पूरा बिहार ही बहुत पसंद है, चाहे बिहार के लोग हों, यहाँ की, यहाँ 5 भाषाएँ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में 5 भाषाएँ हैं, और कहीं भी पूरे देश में आप देख लें तो हर जगह की एक भाषा होती है। किसी भी प्रदेश का आप देखें तो तमिलनाडु जाएंगे तो वहाँ तमिल बोला जाता है, अगर आप आंध्रा जाएंगे तो वहाँ तेलुगु बोला जाता है, केरला जाएंगे तो वहाँ मलयाली बोला जाता है, बंगाल जाएंगे बंगाली बोला जाता है। पर बिहार में 5 भाषाएँ हैं, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका। तो सबसे खूबसूरती मुझे ये लगी बिहार की, और मैं उसमें से 3 भाषाएं बोल लेता हूँ। अंगिका बज्जिका भी थोड़ी सी बोल लेता हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं वो बोलने में, क्योंकि कभी बोलने का ऐसा अवसर प्राप्त हुआ नहीं। उसके अलावा बिहार का लिट्टी चोखा, बिहार के लोग, बिहार की सादगी, यहाँ पे बहुत सरल लोग हैं, बहुत ही सीधे लोग हैं। और जो एक लोग बाहर ये कहते हैं कि अरे यार बिहार सेफ तो है ना, एक बार आप बिहार आके देखिए, बिहार में आपको इतना मज़ा आएगा। लोग आपको वाकई में कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, तो अतिथि को देवता की तरह हम लोग यहाँ मानते हैं, उनको पूछते हैं, तो जब तक आप आके देखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। और बिहार के बारे में मुझे सब कुछ ही पसंद है, कैमरे के पीछे के लोग पसंद हैं, कैमरे के सामने मैं अपने आप को भी इसलिए थोड़ा सा पसंद कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अभी भी अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ हूँ, और ये कहीं ना कहीं इसका कारण हमारी माता जी हैं। और क्या बोलूँ, और बिहार, पूरा बिहार ही बहुत अद्भुत है, और एक बार आप बिहार आके देखें आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कुछ याद रहता है, मुझे याद है जब चौमिन खाते थे हम लोग, अभी भी खाते ही होंगे बंजारा में, मौर्या कॉम्प्लेक्स में चौमिन, वहाँ पे एक अब तो खैर उसको कैरवान कहते हैं, लेकिन एक वैसी चीज़ वहाँ पे अभी भी होती है, शायद होती है या नहीं, अभी है वहाँ पे, तो चौमिन वहाँ खाते थे। फिर एग्रोल यहाँ खाते थे गांधी मैदान के पास, रीजेंट सिनेमा के पहले, तो वो सारी चीज़ें, गोलघर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत फॉन्ड मेमोरीज हैं यहाँ पे, पटना मार्केट हो, और अभी तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन पहले के ज़माने में मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, पर जीवन बड़ा सरल था, लोग बातें करते थे एक दूसरे से, फ़ोन होता नहीं था हाथ में, तो उन बातों के माध्यम से आपको अपने दोस्त के बारे में, अपने दोस्तों के दोस्त के दोस्तों के बारे में, परिवार के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम चलती थी। और वो सरलता आप शायद इस जो तकनीकी आप विकास कहेंगे उसके कारण चली गई है, लेकिन ये ज़रूर है कि फ़ोन पे भी आप रहें, वो भी एक ज़रूरी है समय के साथ आगे बढ़ना, लेकिन जो अपने अंदर की भावनाएँ हैं उनको जो है वो उस फ़ोन को उन भावनाओं के ऊपर ना हावी होने दें, ये मेरी आप सबसे बहुत दिली प्रार्थना है।
करना कुछ नहीं पड़ता, जब भी लोग मुझे यहाँ बुलाते हैं मैं आ जाता हूँ, नहीं भी बुलाते हैं तो मैं अपनी माँ के लिए आ जाता हूँ, अपनी इस बिहार की मिट्टी के लिए आ जाता हूँ। और जो आदमी अपनी जड़ भूल गया वो अपने आप को भूल जाता है, मेरा ये मानना है। तो अपनी जड़ों को हमेशा आप आगे लेके चलें, अपनी जड़ों को मत छोड़ें, चाहे आप अंटार्कटिका में क्यों ना हो, लेकिन जो आपकी जड़ें हैं, माँ तो एक ही होती है ना, माँ तो पांच माँ नहीं हो सकती। जिस माँ ने आपको जन्म दिया है वो आपकी माँ बन चुकी हैं, वो जैसे ही आपने पैदा लिया ईश्वर ने आपको वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपने कुछ पुण्य किया होगा जो आपको आपको उस माँ से जन्म प्राप्त हुआ, तो वो कभी नहीं छोड़ते, तो फिर इस मिट्टी को क्यों छोड़ते हैं आप? वापस आइए और कुछ ना कुछ कीजिए अपने प्रदेश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। घर आके मैं ऐसी क्या चीज़ करता हूँ जो बाहर नहीं कर पाता? माँ से बातें बहुत करता हूँ मैं, क्योंकि माँ यहाँ पे है, मैं मुंबई में हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो पाती, फ़ोन पे ही बातें हो पाती हैं। अपनी माँ से बहुत बातें करता हूँ मैं, और मैं कह सकता हूँ कि मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, जिनसे मैं अपने जीवन के जो मैंने चीज़ें की हैं, अच्छी की हैं या गलतियाँ की हैं, वो सारी चीज़ें मैं अपनी माँ को बताता हूँ और उनसे सीखता हूँ, उनसे अपने जो एक कहते हैं कि आप विजडम कहाँ से आता है, तो वो मुझे मेरी माँ से ही मिलता है। तो उनसे मैं बहुत बातें करता हूँ, और मैं दही चूड़ा खाता हूँ, दही चूड़ा और गुड़ खाता हूँ। बम्बई में डाइट वाइट का जो भी एक कहते हैं कि एक फसाद है या फिर आप उसको लेके चलते हैं, मैं वहाँ वो करता हूँ, लेकिन जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं अपने आप को खुला छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पर लौंगलता खाता हूँ, आज भी कभी लौंगलता खा के आ रहा हूँ मैं, दही चूड़ा गुड़। और माँ मुझे अपने हाथों से कौर बना के जो खिलाती है, जो शायद अब बहुत कम मिलता मौका मिला अवसर मिलता है, क्योंकि डिस्टेंस बन गया है, माँ यहाँ पे है मैं वहाँ पे हूँ, पर वो एक कौर ही जो है वो शायद समझिए कि एक साल के तृप्ति के बराबर होता है, जो संतुष्टि आपको उस एक कौर में मिलती है वो शायद नहीं मिलती है। लेकिन ये अब जीवन ऐसा ही है, जीवन की गति ऐसी है, मैं दुर्भाग्य कहता हूँ इसको अपना, कि मैं अपनी माँ के साथ हर क्षण हर पल नहीं रह पाता हूँ, पर कभी ना कभी एक ऐसा अवसर आएगा जब माँ और हम फिर से एक साथ होंगे और हमेशा फिर साथ रहेंगे जब तक ईश्वर चाहेंगे। मुझसे ज़्यादा यहाँ के लोगों का टेक होना चाहिए। मेरा जो टेक है, मैं 2011 में मेरी एक फिल्म रिलीज़ हुई थी देसवा, फिर 2015 में वो फिल्म बन के आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार, फिर हमने एक फिल्म बनाई मिथिला मखान जिसको नेशनल अवार्ड मिला। तो अपनी तरह से हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी, तो हम लोग कोशिश करते हैं, हम हों या फिर हमारे नितिन चंद्रा जी हों, नीतू चंद्रा जी हों, और जो भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं हम लोगों से, तो प्रयास कर सकते हैं। बाकी जो बिहार की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि कुछ भी करें कला के नाम पे, आप कला को बढ़ावा दें, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की जो जैसे वेस्ट बंगाल में होता है, जैसे तमिलनाडु में होता है, आंध्रा में होता है, जितने भी इस तरह की इंडस्ट्री रीजनल इंडस्ट्रीज हैं, उसको बढ़ावा दें। एंटरटेनमेंट के नाम पे आप कुछ भी ना बेचें, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। देखिए, जो हमारे सामर्थ्य में हो सकता है वो हमने किया। फिर से मैं नितिन जी, नीतू जी का और जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं हमारे बिजोड़ टीम से और चंपारण टॉकीज से, उनका मैं नाम लूँगा। तो जो भी हम लोग अपने माध्यम से कर सकते हैं वो कीजिए। और लोग यहाँ पे इतनी इंडस्ट्री बढ़ी क्यों नहीं है, इसका कारण तो उन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा जो आज तक बेचते आए हैं उन चीज़ों को। बेचना अच्छा है, पैसे चाहिए अवश्य, फिल्में ऐसी नहीं बनती हैं, पैसे लगाने पड़ेंगे, और जो पैसे लगाते हैं उनको पैसे भी वापस चाहिए। लेकिन पैसा ऐसी भी चीज़ में लगा के आप कमा सकते हैं जो चीज़ें सम्मानजनक हों, और सिर्फ इतना नहीं हो कि आप मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा उन लोगों को कि कला को बेचें नहीं, कला को एक बढ़ावा दें, एक प्रगतिशील जो है एक प्रगतिशील कला की ओर जाएं, ना कि आप उसको अपनी कला को बेचें किसी भी नाम पे, फुहड़ता के नाम पे, अश्लीलता के नाम पे, ये अच्छा नहीं है। मैं करबद्ध क्षमा चाहता हूँ ये कहने के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये कहने के बाद शायद कुछ लोगों को ख़राब भी लगेगा, लेकिन बिहार यहाँ बहुत उदासीनता है अपनी मातृभूमि को लेके, अपनी मातृभाषा को लेके, अपने कल्चर को लेके,
उदासीनता है, और वो उदासीनता इसलिए है क्योंकि लोग गांवों से पटना आते हैं, एक ट्रांजिट यहाँ पे है पटना, पटना में आके जिस तरह का माहौल यहाँ पे है, कोचिंग और ये सारी चीज़ें, फिर यहाँ से लोग अपनी एक बेहतर ज़िंदगी के लिए बाहर चले जाते हैं। पर मुद्दा यह है कि सब बाहर ही चले जाएंगे तो यहाँ रहेगा कौन? किसी न किसी को तो यहाँ रहना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ क्यों नहीं रहता, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन मैं पुरजोर कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं आ सकूँ मैं यहाँ आता हूँ, और जब जब आप मुझे बुलाएंगे यहाँ के लिए कुछ करने के लिए जो सम्मानजनक हो, जो हमारे प्रदेश को, हमारी मातृभाषा, मातृभूमि, हमारे हमारी लैंग्वेज को, हमारे कल्चर को आगे लेके बढ़े, तो मैं ज़रूर करूँगा। किसी ने आज तक मुझे, मैं जो भी करता आया हूँ आज तक अपने अपने बल पर, या फिर जो लोग हम लोग जुड़े हुए हैं उन्हीं के बल पर करता आया हूँ, किसी ने खुल के कभी, मतलब कहते हैं ना कि हाथ खोल के कभी किसी ने बुलाया नहीं कि आइए कुछ करते हैं यहाँ पर, आप बुला के देखिए हम अवश्य आएंगे। माता पिता ने नाम क्रांति रखा है, क्रांति करने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, बुला के तो देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। अपनी जड़ों को मत छोड़िए, अपनी जड़ों को छोड़ देंगे ना तो फिर आप कहाँ से हैं आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपको अगर ये पता नहीं है कि आप आते कहाँ से हैं तो आपको जाना कहाँ ये भी आपको पता नहीं चलेगा। तो अपनी जड़ों को मत छोड़िए, क्योंकि जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गादपि गरीयसी, जो मातृभूमि है आपकी, जो जननी है आपकी, चाहे वो आपकी माँ हो जिन्होंने आपको जन्म दिया हो, चाहे उस माँ को भी इस मिट्टी ने जन्म दिया हो, तो उससे अच्छा, उससे बढ़कर स्वर्ग इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बेहतर जीवन के लिए आप अवश्य बाहर जाएं, हर आदमी का वो मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि वो अपने अपने लिए, अपने जीवन के लिए कुछ बेहतर करे, कुछ अच्छा कर सके। लेकिन छोड़िए मत, अपनी जड़ों को छोड़िए मत, इतना ही कहूँगा मैं, और कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग बहुत समझदार हैं, यहाँ का यूथ भी अब बहुत सशक्त है, और मार्ग कैसे अपना प्रशस्त करवाना है ये भी बहुत अच्छे से जानता है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि उदासीन ना रहें, कहीं भी आप ऐसी कोई बात, कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं जिससे हमारे हमारे प्रदेश का नाम खराब हो रहा हो, तो उसके लिए आवाज़ उठाएं, और अगर उस आवाज़ में आपको मेरी आवाज़ भी चाहिए तो मैं अपनी आवाज़ अवश्य दूंगा, मुझे इस बात में कोई शुभा नहीं होगी। मैं तो चाहता हूँ कि लोग बुलाएं, मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा। और ये भी एक बात है कि यहाँ पे गंदगी जो है वो गंदगी ना करें, स्वच्छ रखें। अगर अपना घर को स्वच्छ रख सकते हैं तो घर के बाहर भी, अगर आप ये मान के चलते हैं कि भाई पूरा पूरा प्रदेश ही मेरा घर है, तो पूरा संसार ही मेरा घर है, वसुधैव कुटुंबकम, तो अगर आप अपने घर को स्वच्छ मान के चलते हैं तो बाहर भी आप स्वच्छता ही रखेंगे। तो बस यही है कि ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आज का यूथ बहुत ज़्यादा ज्ञान लेता नहीं है, तो मैं ज़्यादा ज्ञान दूंगा भी नहीं, बस इतना कहूँगा कि इस चीज़ को, अपनी मिट्टी को कभी छोड़िए मत, पकड़ के रखिए, बहुत मज़ा आएगा। बस वही, जैसे आप हैं वैसे रहें, कभी भी प्रिटेंस में ना जिए कि मैं कहीं और का हूँ। मैंने ऐसे लोगों को देखा है दिल्ली में, जो जब मैं वहाँ पढ़ता था, कि लोग कहते नहीं थे कि मैं बिहार का हूँ, लोग थोड़ा सा घबरा जाया करते थे कि यार कैसे बोलेंगे बिहार के हैं। लेकिन अब बिहार के हैं तो आप बिहार के ही रहेंगे, आप कभी भी दिल्ली के या फिर कभी मुंबई के नहीं हो सकते हैं। हाँ, वहाँ की चीज़ें आप अडाप्ट कर सकते हैं, पर जो आपकी प्रकृति है वो प्रकृति तो आपकी बिहार की ही रहेगी, आप बिहारी ही रहेंगे। तो उसको हमेशा जो है वो गर्व से अपने, कहते ना कि वेयर इन, हमेशा अपने अपने माथे पे लेके चलें आप कि हाँ मैं बिहार का हूँ, लिख के ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस बात से आप गर्व महसूस करें। और बिहारी ऐसी जगह है कि जहाँ से हमने कितना कुछ नहीं दिया इस पूरे संसार को, लेकिन देने को तो दे दिया, अब क्या, तो अब क्या मैं जो आज का यूथ है बिहार का, मैं इतना अवश्य उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि अब क्या मैं, जो बातें हो गई, चाहे वो आर्यभट्ट हों, चाहे वो अशोका हों, चाहे वो जितने भी तरह की चाणक्य हों, वो सब चीज़ें दे के चले गए, वो हम उनको कहाँ तक लेके जा रहे हैं, ये जानना सबसे आवश्यक है। इससे ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दूंगा आप लोगों को। हमारे माता पिता, हाँ, लेकिन अगर आप वैसे पूछ रहे हैं कि आप whom do you look up to, आई डेफिनेटली से बच्चन साहब हैं। मैं हमेशा उनकी फिल्मों को देख के बड़ा प्रभावित रहा हूँ, चाहे शाहरुख खान हो और मनोज वाजपेयी। मैं उनको, जब भी मैं उनका परफॉर्मेंस देखता हूँ मनोज वाजपेयी सर का, तो मैं एक आत्मिक सुख मिलता है मुझे, और मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि यार जिस तरीके से ये अपने चरित्र को जीते हैं, अगर मैं थोड़ा सा भी उतना भी कर पाया तो मैं अपने आप को, अपने जीवन को मैं सफल मानूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। जिस तरह से वो काम करते हैं और जिस तरह की, जितने भी मैंने उनके उनके अभिनय को देखा है, तो एक इंस्पिरेशन रहे हमारे लिए। और उसके अलावा हमारे माता पिता हैं, अगर अगर हमारे पिता तो अब
मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि नाम इसलिए ले रहा हूँ, एक श्रद्धांजलि कह सकते हैं आपके, हमारे एक ज़माना पहले ऐसा कहते हैं, अभी भी ऐसा कहते हैं कि पहले बच्चे को बाप के नाम से जाना जाता है, फिर बाद में बाप को बच्चे के नाम से जाना जाता है। तुम्हारे पिता पंचतत्व में विलीन है, जहाँ कहीं भी हैं, लेकिन स्वर्गीय डॉक्टर देवचंद्र झा, तो मैं उनका नाम, अगर वो दोनों नहीं होते, उनको दुख हुआ था जब मैंने यूपीएससी नहीं किया ब्यूरोक्रैट, क्योंकि वो खुद भी एक ब्यूरोक्रैट थे, जब उनको मालूम चला कि मैं अब हीरो बनना चाहता हूँ, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा दुख हुआ था उनको, लेकिन बाद में फिर उन्होंने भर भर के मुझे आशीर्वाद दिया। और मुझे पिता की अपनी आखिरी बात अभी तक याद है, उन्होंने ये कहा था कि बेटा आप जो भी करें, जैसा भी करें, आपको मैं चाहता हूँ कि आप सफलता के चरमोत्कर्ष पर पहुँचें। तो तब से लेकर अभी तक की मेरा निरंतर प्रयास है कि मैं उनके उस सपने को साकार कर सकूं, और जो भी धैर्य मेरे अंदर है या फिर जो भी साहस मेरे अंदर है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे माता जी के कारण है। मैं जो भी हूं, हर सांस में मेरी माँ का नाम है, बस। देखिए, मैंने बुराई नहीं की है, बुराई से मैं, हाँ, गलतियां की हैं, और गलतियों को मैं बुराई नहीं मानता, क्योंकि हर गलती आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। आप गलती नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। मैंने जानबूझ के कभी किसी को हर्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ, जब विवेक आपके अंदर नहीं रहता है, नाश शब्द जो है एक बड़ा ही भयानक शब्द है, लेकिन एक पंक्ति मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो नाश तो नहीं, लेकिन हाँ, गलतियाँ मैंने की हैं। जब विवेक मेरे अंदर नहीं था, तो जानबूझ के गलतियाँ नहीं की, मुझे लगता था कि यही सही है और वो चीज़ें मैं, लेकिन जब विवेक आया, तब से मैं चेष्टा यही करता हूँ कि मैं उन गलतियों की पुनरावृत्ति ना करूँ, क्योंकि अगर आपने गलतियों से आप सीखते नहीं, तो फिर आपको गलतियों से सीख के आपको मालूम चलता है कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है आपको मालूम चल जाएगा, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं करना है। तो मैं सीख रहा हूँ, अभी भी सीखता हूँ, कोशिश प्रयास यही करता हूँ कि अब गलतियाँ, अगर विवेक मेरे साथ फिर से आया है मेरे अंदर विवेक, तो मैं उन गलतियों को ना दोहराऊं, और जितना भी हो सके मैं लोगों में खुशियां बांटूं, लोगों के दर्द को साझा करूं, और परमार्थ में अपना जीवन व्यतीत कर दूं। मेरे लिए सबसे, मेरा जीवन सफल होगा अगर मैं ऐसा कर पाता हूं तो, क्योंकि मुझे दूसरों के कष्ट से बड़ा कष्ट होता है। मैंने भी शायद जब विवेक नहीं था तो मेरे कारण भी लोगों को कष्ट हुआ होगा, लेकिन जब से मेरे अंदर विवेक आया है, बुद्धिमत्ता आई है, और फिर से मेरी माँ का उसमें बड़ा हाथ है, मेरे अंदर जो विवेक आया है अभी, उसके कारण, मेरी माँ के कारण ही है, तो अब गलतियाँ कोशिश करता हूँ कि ना करूँ। तो गलतियाँ करें, गलतियाँ करने में कोई बुराई नहीं है, पर गलतियों से सीखें अवश्य। गलतियों से सीखेंगे नहीं तो एक चरित्र निर्माण नहीं होगा आपका, जो कि बहुत आवश्यक है। अपना व्यवहार अच्छा रखें, व्यवहार अगर अच्छा रखेंगे तो उस व्यवहार से ही आपके चरित्र का भी पता चलेगा, और उससे जब पता चलेगा तो आपके माँ बाप को भी बहुत ही फख्र होगा। तो हाँ, गलतियाँ मैंने की हैं, लेकिन गलतियों से सीखा है, और कोशिश यही है कि आप गलतियां फिर से वो वाली ना करो। ये मेरा ओपिनियन। पटना बीट सेज आई एम ब्रांड बिहार। कितने लोग हैं बिहार में जो पटना बीट्स को चलाने में बहुत साहस चाहिए, जो बशसर और जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, सबका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, मुझे इसके लिए क्षमा करें, लेकिन जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो अपने, अपनी माटी को लेके, अपने बिहार को लेके कुछ करना चाहते हैं, और जो ये काम कर रहे हैं पटना बीट्स, ये बहुत ही साहस का, अदम्य साहस का काम है। अपने सिर्फ जज्बे की वजह से हर आदमी अपनी लाइफ में एक सिक्योरिटी चाहता है, महीने के अंत में एक सिक्योरिटी हो, फाइनेंशियल हो, और फिर आप अगले महीने की तरफ देखें। लेकिन पटना बीट्स वाले जो हैं वो पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, कहीं से उनको कोई फंडिंग नहीं आती, जो भी है वो लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह, यहीं से कुछ मिलता है, और कुछ लोग इसमें जुड़ते भी होंगे जो मेरे ख्याल से अपने घर से चीज़ें लगाते होंगे यहाँ पे। मैं देखता हूँ यहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घर से उठा के लेके लाए हैं लोग यहाँ पे, क्यों? क्योंकि उनको बिहार के लिए कुछ करना है। तो ये तो बहुत अदम्य साहस का काम है, और मैं तो अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करता हूँ आप लोगों के सामने। मेरे पास कम से कम एक सुविधा है जो मैं वहाँ पे रह के अपनी उस सुविधा के अनुसार ही काम करता हूँ। कभी भी ऐसी इतनी असुविधाओं को का सामना करके मैं ऐसा कुछ नहीं सोच पाया। तो आप लोगों का मैं पुनः आप लोगों को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और जितने लोग, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ और आग्रह के साथ दुराग्रह भी कर रहा हूँ कि अगर आप कुछ कर सकते हैं इनके लिए तो अवश्य करें, बातों से करें, आप जिस भी तरीके से करना चाहते हो, क्योंकि एक संस्था को चलाने के लिए बहुत तरह का सहयोग चाहिए होता है, और ये लोग दिल के लोग हैं, ये लोग हृदय के लोग हैं, मन से काम करते हैं। तो
आप भी अपने मन को इनके साथ जोड़ें और देखें कि फिर बिहार हमारा कहां से कहां जाता है। बहुत फख्र होगा, बहुत गर्व होगा आप सबको भी। तो पटना बीट्स वालों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। कुछ भी करें धैर्य रखें और कभी भी अपनी अपनी ईमानदारी को कॉम्प्रोमाइज ना होने दें। जो आपकी ऑनेस्टी है वही आपको आगे तक लेके जाती है, आपकी लगन, आपकी निष्ठा। और एक चीज हमेशा आगे लेके चलें, अपने माता पिता को। उनके आशीर्वाद से ही जीवन बनता है, उनके आशीर्वाद से ही जीवन सुंदर बनता है। तो जब जब मौका मिले, अगर आप बाहर रह रहे हों, जब जब आपको मौका मिले, आप अपने पर्व त्यौहार पे या कभी भी समय निकाल के अपने माता पिता के पास दो दिन के लिए भी आएँ। आप उनको, अगर आपको ये लगता है ना कि मैं कमा के अपने माता पिता के लिए मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, व्हाइट हाउस बना दूंगा, और ऐसा कुछ मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। बस समय निकाल के उनके साथ बैठिए, उनके पास बैठिए और उनसे बातें कीजिए। क्योंकि आप जब चले जाते हैं ना, तो उनके पास उन बातों को करने के लिए लोग होते नहीं। और जब आप आएंगे वापस, देखेंगे कि जब आप बातें करते हैं ना, उनकी आंखों पे वो चमक आ जाती है और वो एक संबल महसूस करते हैं। तो वापस आएं। और मैं बहुत बोरिंग आदमी, मैं ऐसी बातें करता हूँ, माँ बाप, मातृभूमि और मातृभाषा, संस्कृति, सभ्यता। तो जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है अपने जीवन में, वही मैं आप लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। तो इसीलिए यूथ को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नेवर गिव अप, keep on working on whatever you think is right for you। सही गलत कहीं ना कहीं इंसान को पता होता है कि सही क्या गलत क्या है। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो अवश्य करें, किसी के कहने पे ना करें। जो यहाँ से आवाज़ है ना, और यहाँ की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ जो है वो आप ही समझ सकते हैं, आप ही सुन सकते हैं, और कोई नहीं सुन सकता। अगर कई बार आपको ये भी लगता है कि माँ बाप जो है वो मेरी बातों को समझते नहीं है, तो समझाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक तो जो शाश्वत सत्य है वो ये है कि आप कभी उनके माता पिता नहीं बन सकते हैं, वही आपके हमेशा माता पिता रहेंगे। और कोई ऐसा संसार में ऐसा माता पिता नहीं होता है जो अपने बच्चों की बात नहीं समझ पाएगा। बस इतना ही कहेंगे। यहाँ पढ़ती है भविष्य की मजबूत नींव, यहाँ मिलती है हौसलों को ऊंची उड़ान, यहाँ होते हैं सपने साकार। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। आइए हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।